अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महमूद अहमद महमूद व्लॉग के साथ। आज मैं आपको लेके आया हूं टेक्सला में, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। तो इस्लामाबाद से निकलते हुए रास्ते में आता है थोड़ा सा टेक्सला से पहले एक पॉइंट है जॉन निकलसन के नाम से, ये जाना जाता है। उनके पास कहते थे कि कुछ खूबियां ऐसी थी, उनकी याद में ये एक बनाया गया था। एक पॉइंट है, बहुत खूबसूरत है, और एक कह ले सके ये आपको नज़र आएगा, ये रास्ता ऊपर जाता है सीधा, वो सामने पॉइंट है ऊपर, ये निशानी उनकी याद में बनाई गई थी। तो आए चलते हैं ऊपर जाके, कुछ और हिस्ट्री आपको बताता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल टॉप पर। आप ये खूबसूरत व्यू देख सकते हैं, ये दोनों साइडों पे आपको दूर दूर तक पहाड़ नज़र आएंगे, और ये नीचे देख लें, ये नीचे मेन हाईवे जा रही है। ये मेन रोड पे ही जॉन निकलसन का जो मेन, ये देखें टावर है, जॉन निकलसन का टावर, ये मेरी आप बैक साइड पे देख सकते हैं। ये पिंडी से इस्लामाबाद से आते हुए टेक्सला के रास्ते में आता है, टेक्सला से पहले। ये बहुत पुराना है, ये पिंडी का जो पहला डिप्टी कमिश्नर हुआ है, ये उसकी कहले के उसने बनाया था, और इधर इबादत भी कहते होती रही है, और यहाँ पर उनके पूजने वाले, उनके कहले के जैसे हम मरीदीन कहते हैं, यहाँ पर उनके मरीद भी रहते थे। और ये बहुत खूबसूरत एक नज़ारा है, आपको मैं थोड़ा सा आगे जाके कुछ दिखाता हूँ। ये सामने भी बहुत बड़ा पहाड़ है, ये नीचे आप देख सकते हैं गहराई में जो मेन रोड है ये वो जा रहा है, ये सामने वो पहाड़ है, और पहाड़ के ये बिल्कुल बैक साइड पे बहुत ऊंचा एक टावर है, ये उनकी याद में बनाया गया था। दोस्तों अभी मुझे पता चला है कि अंदर जाने का रास्ता है, टावर के ऊपर जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। तो आए आपको मैं अंदर का भी कुछ व्यू दिखाता हूं, और आए मेरे साथ रहिएगा। ये वो सीढ़ियां हैं, ये उसी दौर की लगी हुई हैं सीढ़ियां, और बहुत भारी ये जो सरिया लगा हुआ है, और यहाँ से बहुत ऊँचा है। आपको अंदर लेके जा रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही हैं, ये दिखाए ना, ये देखिए ये कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, कुछ है।
ये कॉबल का भी लिखा हुआ है। तो चार जंगे हुई ना, चौथी जंग में इधर आते उसको ये लिखा है, देखते हैं। ठीक है, ये से और दिल्ली एंड, ठीक है, डेट और तीसरी और चौथी बार। हाँ, तो ये चार जंगें हुई हैं, ये सारी हिस्ट्री उन्होंने लिखी हुई है इधर। चौथी में इधर आते उसको ढेर कर दिया ना, कुछ बाप पहलवान गुजरा है किसी दौर का। ये हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के मकीम। नहीं, इधर का नहीं हूँ मैं जी। आप कहाँ से हैं? सतराट से। सतराट से? मैं बस सुबह सवेरे सैर करता हूँ ना, अच्छा लगता है। थोड़ा सा इधर आ जाए, इधर रोशनी में आ जी। हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताइएगा कि ये क्यों बनाया गया और इसका मुझे नहीं पता ना, इसका ये जो लिखा है इसे इतना ही जानते हैं जो इधर लिखा ये है। बता दें ये क्या लिखा हुआ है इधर, जो हिस्ट्री थोड़ी सी, कितनी जंगें हुई और क्या क्या हुआ। वो उस दौर में जो जंगें होती थी ना, वो तो अफगानिस्तान से शुरू हुई, काबुल लिखा है। ठीक है, तो पूरी इसका भी मुझे नहीं पता, अगर गूगल में सर्च करें हो सकते हैं इसकी कोई मालूमात हो, या इधर कोई पुराने लोग जो हैं बहुत शुक्रिया वो सही बताएं कि वो गलत है नहीं अच्छी। ये अंदर का मैंने व्यू आपको दिखाया और अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जाकर कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको। ये ज़रा नज़ारा देखें आप साहब, लोकेशन महसूस हुआ और हिसाब है पत्थर शहर से दिखाए ना दीवारें। और ये अब मैं नीचे आने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सदियों पुरानी बातें हैं सारी। और मज़ीद मैं इसकी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको बता दूँगा, और मेरे साथ रहिएगा, अभी मैं नीचे उतर रहा हूँ।